टू माई चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ। नाजरीन, आज आपको मैं एक ऐसी नेचुरल हवाले से एक ऐसी अक्सीर बताने जा रहा हूँ जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, और हो सकता है आपने इस बूटी का नाम भी पहले शायद ना सुना हो। तो ये सुनते रहिए और देखते रहिए मेरी वीडियो को। एक ऐसी बूटी और एक ऐसी जानदार अल्लाह ताला की मखलूक है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि जिसके इस्तेमाल से जितनी भी मर्दाना अमराज हैं, जितनी भी मर्दाना ताकत है, वो सारी की सारी जो है वो बहाल हो जाती है। और इसके इस्तेमाल से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। उस बूटी का नाम बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि ये बड़े सगीर में आम मिल जाती है, लेकिन हमें इनकी पहचान नहीं होती। अगर आप इसकी पहचान रखते हो तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं, उस बूटी का नाम पहले देखते हैं, फिर हम इसका वकूअ देखते हैं, ये कैसी होती, कहाँ पे होती है। तो नाजरीन, ये बरसगीर में ये हमारा जो मैदानी एरिया होता है वहाँ पे जी होती है ये बूटी होती है। और ये दो तरह की होती है, एक इसकी जो किस्म है, जो एक इसकी स्पीशी है, ये ज़मीन पे बिल्कुल बिछी हुई होती है, और एक इसकी जो स्पीशी होती है वो एक फिट तक जो होती है वो ऊपर होती है, तने जो इसका स्टेम होता है वो एक फिट तक होता है। और इस बूटी का नाम है बफली। बफली जो होती है इसको आपने इस्तेमाल करना है, इसके इस्तेमाल से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। और ये एक माया नाज बरसगीर के जो हुक्मा है वो इसको एक माया नाज ब्यूटी का नाम देते हैं, और ये बहुत ही अक्सीर है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो इसका रख भी निकाल सकते हैं, इसका जो आप है वो साल्ट साल्ट भी निकाल सकते हैं, उस हवाले से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और एज ए जो गर्मियों में शरबत वगैरह बनाते हैं उस हवाले से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बहुत फायदे हैं। मकसद ये है कि ये एक दिन या दो दिन इस्तेमाल नहीं करे, कोई भी चीज़ है तो उसका एक प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए, और उसके सीजन में होना चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम 20 दिन उसको इस्तेमाल करने के बाद ही उसके रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। अगर हम कहें कि एक दिन या चार दिन के इस्तेमाल से हम उसका रिजल्ट लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ज़मीन का जो सतह है जहाँ पर मैदानी एरिया होता है वहाँ पर जो सख्त जो क्ले हमारी मिट्टी होती है, जो चिकनी सख्त मिट्टी होती है, वहाँ पे ये सतह पे ज़मीन पे जो है ये बिछी हुई होती है। इसकी तस्वीर भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो उस हवाले से आपने वो लेनी है, वो वाली नहीं लेनी जो बिल्कुल जो एक फिट तक ऊपर खड़ी होती है, तो यहाँ पे आप मिस्टेक कर जाते हो। तो ये नाम लिख ले, बफली, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मायानाज जो है ये एक बूटी तस्लीम की जाती है।